गाइस आज हम जाने वाले हैं शनि मंदिर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। और हम लोग हैं और बिना जी जा रहे हैं, बिना जी स्कूटी चला रहे हैं। तो गाइस आज हम उस मंदिर में जाके पूजा करने वाले हैं और पूजा कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। और हम लोग पूरा सुबह दंत काले सब मंदिर जाएंगे, उसका भी आपको व्यू दिखाऊंगा आज। और एक वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वो वीडियो नमक की धरन आया वाला वो वीडियो है। तो मंदिर आ चुका है बस, यहाँ पर देख सकते हैं ये शनि मंदिर है और इधर दुकान है और दुकान वगैरह है। और इधर देखेंगे तो मंदिर है, दिखाई दे रहा है। और ये मेरा जीजू है। और किस समय हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, इधर का नजारा कुछ ऐसा है, आपको दिखाऊंगा मैं पूजा करना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर पूजा पाठ खत्म हो चुका है और हमें हमारा जीजू अभी मेरा जीजू बताते जाएंगे और मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊंगा ऐसा ऐसा है बोल के। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ये धरान में ये शनि मंदिर है बोल रहे हैं, शनि मंदिर। और गाइस यहाँ पर है राम भगवान, लक्ष्मण, हनुमान और सीता माता। और यहाँ पर है बजरंगबली। और गाइस यहाँ पर है राधा कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण जी दूध पी रहे हैं। और तो गाइस इधर से एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर है काली माँ, जय काली माँ। और यहाँ से शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ है शिव भगवान का, जय कृष्ण। और गाइस यहाँ पर है गणेश भगवान और यहाँ पर है लक्ष्मी भगवान। यहाँ पर काली माता है। और गाइस यहाँ पर है विष्णु भगवान और यहाँ पर काली माँ और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ। और गाइस यहाँ पर है बुद्ध भगवान, वैसे हम लोग को राउंड लगाना पड़ता है। ये देखिए गाइस, और इधर से यहाँ पर कौन कौन भगवान है गाइस, नाम नहीं आ रहा है, आप खराब मत पाइए, देखिए। और यहाँ सरस्वती माता, सरस्वती माता। और यहाँ पर दुर्गा माता। और यहाँ पर है हमारे सूर्य देवता, जय सूर्य देवता। तो गाइस हम मंदिर से अभी घर जा रहे हैं। देखिए ये है मंदिर, शनि मंदिर, ये धरान में है गाइस, आप भी आइएगा जरूर। टाटा। तो गाइस ये मंदिर का गेट है, यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नजारा है यहाँ का। देखिए तो गाइस अभी हम जा रहे हैं विंडेश्वरी के दर्शन करने। शिव मंदिर है गाइस, प्रसिद्ध मंदिर है। बिना जो नेपाली में बोल रहे हैं और मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस मैं आपको पीछे का नजारा दिखाऊंगा कैसा है। देखिए तो गाइस एक मिस्टेक हो गया, पीछे का नहीं आगे का नजारा बोला जाए।
यो काल भैरव जय महाकाल भैरव अगे हामी गयौं ना यो चाहिँ देव व्यास यो चाहिँ चन्द्रशेखर मंदिर जाते वक्त का व्यू इतना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिल रहा है मेरे गाइस इतना अच्छा लग रहा है मेरे को आके यहाँ और ये गड्ढा गड्ढी है गाइस इतना खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं देखिए गाइस ऐसा लगा बताइए और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं क्या मंदिर बुढ़ा सुब्बा बुढ़ा सुब्बा को दर्शन करने जा रहे गाइस अब डायरेक्ट वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा और गाइस एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ उस मंदिर में जो बैम्बू होता है ना उनका मतलब जो ऐसा बोलते नेपाली से टुप्पो बोल रहे वो टुप्पो ही नहीं है जैसे कि छोटे से बड़े होने तक लंबा होता है ना वैसा नहीं वो तो वहाँ तो आधा से ही वो होता है वो भगवान का प्रसिद्ध एकदम शुद्ध मंदिर है जो मैं आपको दिखाने जा आप जो इंडिया का देवपानी मंदिर है हाँ। वो सेम है हाँ। देवपानी जैसा है इंडिया का देवपानी मंदिर जैसा है सेम है गाइस देखिए आप भी दर्शन करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पास का लंबा वाला होता है उसका ऊपर का और जो होता है यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं ओटीटे में हम जीजू के साथ आए अभी इधर में दीदी और इधर में दोनों दीदी दो सिस्टर के साथ आ रहा हूँ अभी फिर से मंदिर के दर्शन करेंगे तो गाइस देखिए थोड़ा सा एक तो जगह जो मैं आपको दिखाने पाया वो भी दिखाऊंगा गाइस यहाँ में ऐसे हमको घंटी बजाना पड़ता तो गाइस यहाँ से उठते में दीदी के साथ आया अभी दीदी के साथ आया हूँ तो यहाँ में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ उठते में अच्छा से दिखा नहीं पाया तो अभी दिखा दे रहा हूँ देखिए गाइस तो ऐसा है गाइस तो यहाँ से तो गाइस उस टाइम में भी आए थे और दिखाया था अभी भी दिखा रहा हूँ गाइस क्योंकि दोबारा दिखा रहा हूँ मतलब खराब मत पाइए क्योंकि दिखाना पड़ता है ना है कि नहीं दीदी भगवान को ये देखिए गाइस उस टाइम में काफ़ी लोग थे इसीलिए दिखा अच्छे से दिखा नहीं पाया तो अभी अच्छे से दिखा रहा हूँ देखिए दीदी के साथ आया उस टाइम में जीजू के साथ आया अभी दीदी के साथ दोनों के साथ ही दिखा रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस तो देखिए इंजॉय करिए तो गाइस यहाँ पे हमको अंदर जाना पड़ेगा ऐसे करके यहाँ का कुछ ऐसा है तो गाइस अभी मैं नेपाली से बात करूँगा कैसा लगता है आपको बताना ये मेरे प्यारे नेपाल के सब्सक्राइबर के लिए है तो गाइस मैं आज नेपाल आएको छु
यहाँ नेपाल धरान भन्ने ठाउँमा आएको छु। अनि यहाँ मैले के दर्शन गरेँ, अलिअलि पिण्डेश्वरीको दर्शन गरेँ, अब दन्तकालीन बुढा सुब्बाको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। हेर्नु होला राम्ररी, यसो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि यसरी मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। 1K हुन आँटेछ, 1K यहीँ नेपालबाट इन्डिया जाने तकमा मेरो 1K पुऱ्याइदिनु होला, हो कि होइन दिदी? ल, यति भन्दै मेरो यो ब्लग्सको यहीँ समाप्त होइन, यो चाहिँ क्लिप चाहिँ यहीँ राख्छु। हेलो गाइस, यो हाम्रो दुईचोटि भइसक्यो उहाँ आउनुभएको, अहिले अघि चाहिँ भेनासँग, अहिले चाहिँ दिदीहरूसँग। यो बुद्ध सुभाको भ्यू अरे भ्यूहरू, यहाँहरू अझ कति भिड छ, अब भनेपछि साउन्ड आउनु लागेछ, त्यसको लागि सबै भिड छ। यहाँ यता हेरिदिनु, यहाँ हाम्रो सरलाई तो गाइस देखिए, इधर का व्यू पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर में थोड़ी देर जाएंगे तो उधर में छोटा सा एक, मतलब जो वो चाइनीज लोग का वो ड्रैगन होता है ना, उससे पानी निकल रहा है, इतना अच्छा लगता है देखने को, वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस अभी यहाँ पर हम ले लेते इतना अच्छा ठंडा पानी है गाइस, कोल्ड वाटर पियेंगे।